और सुनिए, हजरत अली इनकी अजमत पर हमारे माँ बाप कुर्बान। बाप रे, कौन अली? सिद्दीक अकबर से पूछो कौन अली। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, हदीस के आप फरमाते नहीं है, रसूल पाक की महफिल सजी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे, मौला अली थोड़ा ताखीर से आए तो जगह बची नहीं थी, और नबी माजरा देख रहे हैं, नबी माजरा देख रहे, सिद्दीक ने अली को देखा, तुरंत जगह बनाई अली के लिए, थोड़ा पीछे हुए कराके बैठा दिया, रसूल पाक के माजरा देख के मुस्कुरा उठे, फरमाया इन्नमा यारिफुल फज्ल यारिफुल फज्ला लियाहरिल फज्ल जबुल फज्ल। अल्लाह के फरमाते हैं, जुमला सुनिए, बुजुर्ग ही बुजुर्ग की बुजुर्गी पहचानता है, बुजुर्ग ही बुजुर्ग की बुजुर्गी पहचानता है, यानी जो ना अहल होते हैं वो नहीं पहचानते, लियाहरिल फज्ल फज्ल वाला ही फज्ल वाले को पहचानता है। हम ये वाले अहले सुन्नत वल जमात से मुंसलिक हैं कि जहां अलमबरदारी अगर सहाबियत की है तो वफादारी अहले बैत की भी है। जो अहले बैत को बहाना बनाकर सहाबियत पर भोंकते हैं जूते की नोक पर हमारे, और जो सहाबियत को ढाल बनाकर अहले बैत पर भोंकते हैं वो भी जूते की नोक पर हमारे। हम तो उसी को मुसलमान समझते हैं जो सहाबा का ताबेदार हो और अहले बैत का वफादार हो। अरे वो अली जिनके पास सिद्दीक अकबर आके बोले अली मुबारक हो, बोले क्या हुआ? बोले रसूल से मैंने सुना तुम्हारे बारे में, रसूल फरमाते थे ऐ सिद्दीक सुनो, अली जिसको इजाजत नहीं देंगे, अली जिसको इजाजत नहीं देंगे जन्नत में नहीं जा सकता। मुबारक हो तुम्हें यह मकाम मिला है, अब इसने जन्नत इसने इजाजत वो तुम्हारी तुम्हारे ऊपर है, डिपेंड तुम पर निर्भर, मुबारक हो। हम आप होते ना फूल गुब्बारा हो जाते, देखा हम कौन है, समझे हल्के में ना, देखा हम लोग नफ्स वाले, वो बेनफ्स बेलौस, दीन के लिए पैदा हुए, दीन के लिए जिए, दीनी के लिए चले गए, ऐसे लोग अपने बारे में सोचते हैं, जब भी सोचते हैं पहले दीन, हम पहले जमीन। आज के मुसलमान दीनदार नहीं जमींदार है। जैसे ही सुना मौला अली ने फरमाया आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक। बोले क्या हुआ? बोले आपके बारे में भी नबी ने कुछ फरमाया, तारीफ के कुछ अल्फाज थे, हम आप होते खा जाते। इनको बताएंगे, इनको क्यों बताएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन हाय रे ईमानदार जमात, अरे ईमानदार लोग, फरिश्ते भी आपसे हया करें, ऐसे आप लोग फरिश्ते भी अशस करें कितने, हम तो नफ्स वाले नहीं है तो भी हमने एतराज कर लिया, आदम की जब तकलीफ हो रही थी हमने तब भी सवाल उठा लिया है, अल्लाह इनको खलीफा क्यों बनाने जा रहे हैं, नीचे जाके खून फसाद करेंगे, हमारे अंदर नफ्स नहीं है तो हमारे अंदर सवाल आ गए। ये नफ्स वाले लोग, इनके अंदर नफ्स, इनके साथ शैतान, इनके अंदर शैतान, मगर कैसे ये इंसान। फरमाया मुबारक हो सिद्दीक, बोला अब क्या हुआ? बोले मुझे मेरे नबी ने फरमाया कि अली सुनो, बेशक बगैर तेरी इजाजत के कोई जन्नत नहीं जाएगा, तू ये भी सुन ले, जो मेरे सिद्दीक का ना हो उसे इजाजत ना देना। ये है सुन्निया।